और इसीलिए कहा गया कि पर्युषणा महापर्व यानी पुरुषार्थ का पर्व। पर्युषणा महापर्व है कि आज के दिन हम क्या सुनेंगे, परमात्मा महावीर का पूरा जीवन चरित्र सुनेंगे और परमात्मा महावीर की एक एक जीवन की घटनाएं हमें बोध देती है, हमें संदेश देती है कि पर्युषणा महापर्व यानी पुरुषार्थ का पर्व। आप पुरुषार्थ करते जाओ, आप मेहनत करते जाओ, आप कोशिश करते जाओ। इसीलिए हमारे यहां लिखा गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जो लहरों से डर जाते हैं वो अपनी नैया को पार नहीं लगा सकते, लेकिन जो कोशिश करने लग जाते हैं वो नैया को निश्चित तौर पर पार लगा लेते हैं। पर्युषणा महापर्व यानी पुरुषार्थ का पर्व। परमात्मा महावीर का शासन हमें मिला और परमात्मा महावीर का शासन मिलने के बाद परमात्मा के जीवन से सबसे बड़ा संदेश यदि कोई उभर के आता हो, परमात्मा के जीवन से सबसे बड़ा उपदेश यदि कोई निकल के आता हो, परमात्मा के जीवन की एक एक घटनाओं से यदि कोई संदेश मिलता हो तो वह यही है कि पुरुषार्थ करते जाओ। जो व्यक्ति पुरुषार्थ में पीछे है वह जीवन में पीछे है और जो पुरुषार्थ में आगे है वह जीवन में आगे। कभी कभी ये विवाद खड़ा होता है कि पुण्य के भरोसे जीवन चलाए या पुरुषार्थ के भरोसे चलाए, लेकिन उसका प्रत्युत्तर एक ही है, जीवन तो पुरुषार्थ के भरोसे ही चलता है। पुण्य भी क्या है, आपका पीछे किया हुआ पुरुषार्थ ही पुण्य बन के आपके पास आता है। पुण्य क्या है, पुण्य भी आपका किया हुआ पुरुषार्थ। कोई आपको गिफ्ट में नहीं मिलता, कोई आपको दान में नहीं मिलता, आपने कभी कोई भाव में कोई अच्छा कर्म किया होगा, अच्छा कार्य किया होगा, सुकृत किया होगा, वह पुण्य बनके आपको इस भाव में प्राप्त हो रहा है। इसका संदेश, इसका अर्थ, इसका भावार्थ, इसका मतलब एक ही है कि जीवन को चलाना है तो एक ही रास्ता है, पुरुषार्थ, और कोई रास्ता नहीं। दूसरी बात, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता मेरा पुण्य कितना है कितना नहीं, आप नहीं जानते आपका पुण्य कितना है कितना नहीं। ठीक है, होगा और पुरुषार्थ भी साथ में कर लेंगे तो सवाया हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। हम नहीं जानते हमारा पुण्य कितना है, पुण्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ हमारे हाथ में, हम जानते हमने पुरुषार्थ कितना किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन को चलाना है, जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है और जीवन की नैया को भवपार लगाना है, और यह जीवन में आपको कुछ भी हासिल करना है रास्ता एक ही है, पुरुषार्थ, और कोई रास्ता नहीं। पर्युषणा महापर्व ये सबसे बड़ा संदेश देता है कि पुरुषार्थ करते चलो। परमात्मा महावीर का जीवन मुख्यतया पर्युषणा महापर्व में पढ़ा जाता है और परमात्मा महावीर के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पुरुषार्थ करते चलो। जो पुरुषार्थ में पीछे है वह जीवन में पीछे है और जो पुरुषार्थ में आगे है वो हमेशा जीवन में आगे है। बराबर समझ लेना, क्यों ना करें हम पुरुषार्थ। और आप सोचना, आपके जीवन में परमात्मा महावीर की बात छोड़ो, आपके जीवन में आपको जितनी भी उपलब्धियां हुई है उसमें 99% पुरुषार्थ की वजह से हुई है। आपको तब करना था, आपने मेहनत करी, आपने पुरुषार्थ किया। आपको पैसे कमाने थे, आप घर पे बैठे रहो पैसे नहीं मिलते, कभी कभार अनायास लाभ हो जाए उसका मतलब यह नहीं कि जीवन पुण्य के भरोसे चलता है, जीवन तो पुरुषार्थ के भरोसे ही चलता है। 1 लाख तो आपको ही बनाने पड़ते, 1 लाख का 1.25 लाख पुण्य शायद कर सकता है, लेकिन 1 लाख आपके पुरुषार्थ से बनता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लेना, और धर्म के क्षेत्र में तो खासकर शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि संसार शायद पुण्य से चल जाए, आपका कोई प्रबल पुण्य हो, आपको कोई करोड़पति के घर में जन्म मिल जाए, आपका वहीं पैदा हो गए, आपको जन्म से ही सोने की चम्मच मुंह में मिल गई, ऐसा हो सकता है संसार शायद पुण्य से चल जाए, लेकिन धर्म तो एकमात्र पुरुषार्थ से चलता है। बिना पुरुषार्थ धर्म में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। धर्म का क्षेत्र पुण्य से नहीं चलता, परमात्मा पुण्य से मिल जाए, गुरु पुण्य से मिल जाए, सामग्री पुण्य से मिल जाए, अच्छा वातावरण पुण्य से मिल जाए, संघ का माहौल पुण्य से मिल जाए, अच्छा संघ पुण्य से मिल जाए, अच्छा समाज पुण्य से मिल जाए, लेकिन धर्म करने के लिए पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर्युषणा महापर्व यानी पुरुषार्थ का पर्व।
ये सिखाता है। परमात्मा महावीर का जीवन हमें बताता है कि पुरुषार्थ करते चलो, थको मत, हारो मत, निराश मत हो जाओ। जीवन में समस्याएं आती है, परमात्मा महावीर के जीवन में 12.5 साल तक समस्याएं आती रही, लेकिन परमात्मा थके नहीं, हारे नहीं, निराश न हुए, क्योंकि वह जानते थे समस्या चाहे कितनी ही बड़ी हो लेकिन हर समस्या का समाधान जरूर होता है। इसी तरह से आपके जीवन में भी यह सूत्र दिमाग में बिठा लेना, समस्या आपके जीवन में चाहे कितनी बड़ी हो लेकिन आपका पुरुषार्थ प्रबल होगा ना तो संसार में हर समस्या का समाधान है। हम थक जाते हैं इसलिए हमें पीछे होना पड़ता है, हम हार जाते हैं इसलिए हमें पीछे होना पड़ता है, हम मन से हार मान लेते हैं इसलिए हमें हार मिलती है। जो व्यक्ति मन से हार ना मानता, मन से थकता ना हो, मन से निराश ना हो होता हो, वह परमात्मा महावीर की तरह जीवन में कुछ न कुछ जरूर हासिल करता है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।